सो गाइस, मेरे घर में कोई भी डाइनिंग टेबल नहीं थी और मुझे होता था कि मेरे घर में भी डाइनिंग टेबल हो। तो फिलहाल अभी तो कोई बजट ऐसा है नहीं कि हम उसे बाय कर पाए। तो क्यों ना मैंने सोचा इसे बिना बाय करे अपना सपने को पूरा करा जाए। सपना तो नहीं कहूँगी, हाँ एक इच्छा थी, तो क्यों ना उसे पूरा करा जाए। तो मेरे यहाँ पड़ी थी एक वेस्ट टेबल, तो जिसे मैंने कन्वर्ट करा है अपने डाइनिंग टेबल में। तो या गाइस, यही होने वाली है आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपको मेरी ये मेहनत और मेरी ये लगन जो कुछ भी है वो आपको पसंद आए। तो या गाइस, तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो या गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा डीआईवाई एंड ब्लॉग। मैं हूँ प्रज्ञा। तो यहाँ पर मैं होम डेकोर आइडियाज एंड ब्लॉग्स भी शेयर करती हूँ। तो इफ़ यू लाइक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे इस चैनल का मेंबर बन सकते हो। या गाइस, विदाउट एनी टू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, ये है वो टेबल जिसका मुझे करना है मेकओवर। और आप जैसे कि देख सकते हैं इसकी हालत कितनी बुरी हो रही है। तो अभी तक तो मैं इसको ऐसे ही काम चला रही थी, बट मुझे देना था मेकओवर और उसका टाइम अप आ गया था। तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने रात में ही स्टार्ट कर दिया था, मैंने आयु को सुला के। देन अब जिसके ऊपर जो जो लगा हुआ है तो उसको सब मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ और निकाल रही हूँ। तो गाइस, मैंने इस पर सोचा था वॉलपेपर लगाने का, तो पर कहते हैं ना, जो सोचते हैं वो कभी होता नहीं है पूरा। अगर जो काम सोचते हैं वो पूरा नहीं होता है तो तरीका बदल देना चाहिए। तो ऐसे ही मैंने करा, सोचा तो मैंने इसमें वॉलपेपर लगाने का। आपको आगे पता चलेगा कि मैंने ये कैंसिल क्यों करा। कैंसिल मैंने इसलिए करा क्योंकि गाइस, इसमें एक गैप आ रहा था जिसकी वजह से वो मेरा पूरा नहीं हो पाया। तो अब देखिएगा, जो आप ये गैप देख रहे हैं ना, इसके वजह से मेरा वॉलपेपर नहीं लग पाया। और मेरे पास ऐसा कोई फिक्सर था भी नहीं जिससे मैं फील कर पाती इस गैप को। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर इसमें हम कलर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो वॉल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं या ऑयल पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं बेस कोट दे रही हूँ वाइट कलर से। देन फिर मैं यहाँ पर कर दूँगी ब्लू कलर। ये भी मैंने एक्रेलिक कलर का ही यूज़ करा है। और एक को छोड़ के एक करके मैं यहाँ पर ब्लू कलर कर दूँगी। और आप चाहे तो यहाँ पर कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं गाइस। अगर आप अपनी फर्नीचर को मेकओवर दे रहे हैं तो देन यहाँ पर वो स्पेस है जो मुझे मेकओवर करना है। तो राइट हैंड मेरा मंदिर है और लेफ्ट साइड मेरा किचन है। तो उसके मिडल पार्ट में मैं यहाँ पर मेकओवर देने वाली हूँ अपने डाइनिंग स्पेस का। तो या गाइस, तो स्टार्ट करते हैं अपना मेकओवर। सो गाइस, जो आप ये वॉल शेल्फ देख रहे हैं, सबसे पहले इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी DIY बॉटल रखी जो कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले बनाई थी, दोनों ही पहले। और रख दिया है मैंने अपना प्यारा सा मनी प्लांट, तो काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है मेरा ये मनी प्लांट। देन यहाँ पर मैंने रखे अपने पापा जो कि गिफ्टेड हैं, और केक भी गिफ्टेड है। ये मेरे हबी ने दिया था मुझे वैलेंटाइन डे के दिन। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं रख रही हूँ एक जार में मैंने फेरी लाइट लगा दिया है, तो इसे भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। देन छोटे छोटे शो पीस रख रही हूँ। और उसके बाद हम नेक्स्ट रैक में रखेंगे, यहाँ पर मैं रख रही हूँ बप्पा जो कि ये भी मैंने बनाए थे। और इसका वीडियो मेरे चैनल पे है, शॉर्ट्स वीडियो में आप वहाँ से देख सकते हैं। देन यहाँ पर मैंने छोटे छोटे से पॉट रख दिए हैं। देन आर्टिफिशियल प्लांट रख दिया है। तो फिर बारी आती है यहाँ डेकोरेट करने की। तो ये बॉटल भी मेरी DIY है। और देन आप ये जो देख रहे हैं ये भी DIY है, वॉल डेकोर। तो इसे भी मैंने यहाँ पर लगा दिया है। देन अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अपना प्यारा सा ड्रीम कैचर। और अब मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ मेज खींच के, और आयु भी पूरा साथ दे रहा था मेरा मेकओवर करने में। तो उसे मैं बार बार बिठा रही थी कि तू बैठ जा खेल ले, पर नहीं, उसे मम्मा के पास ही आना। तो या गाइस, जो हमने मेकओवर करा था फर्नीचर का, वो मैंने यहाँ पर रख दिया है, मतलब यहाँ प्लेस कर दिया है। देन अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ रनर जो कि ये है DIY। और इसकी वीडियो मैंने अभी फ़िलहाल में आपके साथ शेयर करी है।
तो आप देख सकते हैं, मैं जितने भी लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे मैंने प्लेस करा है खूबसूरत सा प्लेस मेट, और उसके ऊपर रख लिया अपनी DIY वाली ट्रे, देन कप रख दिया है, आर्टिफिशियल प्लांट रख दिए हैं और अचार रख दिया है। देन हमारी टेबल हो जाती है तैयार। और उसके बाद यहाँ पर मैंने मूड़ों पे भी अपना जो मैंने बनाया था वो कुछ डाल दिया है। और गाइस इसी के साथ हमारा मेकओवर हो जाता है पूरा। तो आई होप आपको मेरा ही मेकओवर पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और लाइक कर देना इस वीडियो को। तो मिलते हैं, बाय बाय, और पूरी देख लेना वीडियो को। बाय बाय।